नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड में एक न्यू वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है ये जारी की गई है विधानसभा सचिवालय के द्वारा। आपको बता दूँ, इस भर्ती को UKWC और UKPSC नहीं करा रहा है, यानी आयोग के माध्यम से ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती होगी विधानसभा सचिवालय के द्वारा। और डायरेक्ट विधानसभा सचिवालय द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें आपको देखने को मिलेगा समूह खा और समूह गा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। देख सकते हो आप, आज यहाँ पे दिनांक 1 अक्टूबर 2021 आज का ही, यानी आज ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह खा एवं गा के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 1 अक्टूबर 2021 है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, 1 अक्टूबर, यानी आज से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 30 अक्टूबर तक, यानी आज से और 30 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क 1 नवंबर तक आप जमा कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का यहाँ पे कोई भी अनुमानित समय नहीं दिया गया है, बाद में जारी किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इस विज्ञप्ति के बारे में डिटेल्स कि इसमें किन किन विभागों में कितनी कितनी पोस्ट हैं और इनकी शैक्षिक अर्हताएँ और अन्य जो भी एलिजिबिलिटी हैं उन सब के बारे में जानते हैं। देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे पदनाम वन है, प्रतिवेदक है। प्रतिवेदक के यहाँ पे कुल है 3 पद। अब देखो, जो 3 पद हैं प्रतिवेदक के, उनका वेतनमान है 15,600 लेकर 39,000 तक। और आयु सीमा आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु सीमा एज लिमिट रखी गई है। अब देखो शैक्षिक अर्हता, तो भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हिंदी आशुलिपि और अंग्रेजी आशुलिपि का ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पे 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। तो ये टेस्ट भी आपको इसके बाद हो जाएगा इसमें। और लिखित परीक्षा इसमें क्या होगी, तो चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक लिखित परीक्षा होगी, यानी MCQ जो पेपर होता ही है 2 घंटे का। एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित इसमें प्रश्न होंगे। अब देखो दूसरे जो पद, दूसरा पद नाम क्या है, अपर निजी सचिव। इसमें टोटल 5 पद हैं और वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800 तक। आयु सीमा इसमें भी वही है, 18 वर्ष से 42 वर्ष। और शैक्षिक अर्हता अगर हम देखें, तो भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ साथ हिंदी आशुलिपि में आपका होना चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए हिंदी आशुलिपि में। वरीयता देखो यहाँ पे, अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। यानी जिसको हिंदी आशुलिपि तो इसमें कंपलसरी है, लेकिन अगर अंग्रेजी आशुलिपि का किसी को ज्ञान है, उसकी ये गति है, तो उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो ये भी आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है। और लिखित परीक्षा जो होगी इसमें भी क्या होगी, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है, MCQ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित इस विषयों पर यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न रखे जाएंगे। उसके बाद इसका सिलेबस अभी जारी किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पदनाम है समीक्षा अधिकारी, कुल पद है 1। और देखो यहाँ पे वेतनमान इसमें 9,300 लेकर 14,800 है और आयु सीमा इसमें भी 18 से 42 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक अर्हता की बात करें, तो इसमें भी स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और जिसके पास विधि स्नातक की उपाधि, यानी लो से आपका ग्रेजुएट है, उसको वरीयता दी जाएगी। यदि आपका स्नातक है, सिंपल स्नातक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जिसके पास स्नातक कौन सा वाला है, लो की डिग्री जिसके पास है, उसको इस पद के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा इसमें क्या होगा, तो इसमें भी 100 अंकों की 2 घंटों की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पदनाम है समीक्षा अधिकारी, जिसमें टोटल 2 पद हैं और इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे, इसमें भी वेतनमान वही है और आयु सीमा 18 से 42 है। अब देखो शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें, तो भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, इसमें ज्ञान होना चाहिए आपका, वाणिज्य स्नातक होना कंपलसरी है। और यदि आपके पास कंप्यूटर एवं टेली अकाउंट का आपके पास ज्ञान है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा इसमें भी 100 अंकों की होगी यहाँ पे। और अगला पद यहाँ पे देखो, सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ, कुल इसमें भी 1 पद है इसका और वेतनमान वही है, आयु सीमा भी वही है, 18 से 42 वर्ष। और शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें, देखो यहाँ पे, भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर, ये स्नातकोत्तर मांगा गया है, ठीक है, स्नातक नहीं है, ये मांगा गया है आपका स्नातकोत्तर।
इससे ऊपर वाले पद में स्नातक। हाँ अभी तक स्नातक आ रहे थे, लेकिन इसमें मांगा गया है या तो सामाजिक विज्ञान में या आपका किसी साहित्य में स्नातकोत्तर अभिभाष होना जरूरी है। और वरीयता कब दी जाएगी, किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य विधि स्नातक उपाधि अभिभाष होनी चाहिए। आगे है पदनाम व्यवस्थापक, इसमें टोटल 2 पद हैं, वेतनमान वही है, इसमें आयु सीमा भी वही है 18 से 42 वर्ष। और साक्षरता देखो यहाँ पे, विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी HM में अभिभाष क्या होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। वरीयता कब दी जाएगी, किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अभिभाष क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, व्यवस्थापक के लिए। उसके बाद है लेखाकार के, इसमें टोटल 1 पद हैं और इसमें भी वेतनमान वही है, आयु सीमा वही है। साक्षरता इसमें भी क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, तो इसमें भी वाणिज्य स्नातक रखा गया है, किसमें, लेखाकार में। और साथ साथ कंप्यूटर और टेली का अकाउंट ज्ञान है आपको, तो आपको वरीयता दी जाएगी। वरीयता मतलब होता है कि यदि किसी अन्य के पास ये क्या नहीं है, ये एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आपको उससे ज़्यादा या तो वेटेज प्रदान किया जाएगा या उससे पहले आपको मौका दिया जा सकता है। सहायक लेखाकार देखो टोटल यहाँ पे 1 पद हैं और इसमें अगर हम बात करें, वेतनमान है 5,200 से लेकर 20,000 तक, 18 से 42 वर्ष तक की यहाँ पे आयु सीमा है। और देखो इसमें भी वाणिज्य स्नातक की उपाधि होना जरूरी है और कंप्यूटर और टेली अकाउंट का ज्ञान होना जरूरी है, यानी वरीयता दी जाएगी यदि आयु का कंप्यूटर और टेली अकाउंट का ज्ञान है। उसके बाद है पदनाम है सहायक फोरमैन, टोटल 2 पद है इसमें और वेतनमान वही है 5,200 से लेकर 20,000 तक, आयु सीमा वही है सब में लगभग। साक्षरता देखो इसका, राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये है हाई स्कूल लेवल का है। हाई स्कूल यदि किसी ने उत्तीर्ण कर रखा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, कंप्यूटर, मशीनिंग संबंधित ट्रेड में आई टी आई का डिप्लोमा, ठीक है, तो आई टी आई का डिप्लोमा आई के पास होना चाहिए और साथ ही साथ 10th पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा भी वही यहाँ पे। पदनाम सूचीकार देखो इसमें भी 1 पद है, वेतनमान और आयु सीमा वही है और इसमें साक्षरता क्या है, किसी भी मतलब सब्जेक्ट आपके पास कौन से स्नातक होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थित स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और साथ ही साथ कौन से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, पुस्तकालय में क्या होना चाहिए, 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना आपके पास जरूरी है और साथ साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके 11 हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें टोटल 1 पद हैं, वेतनमान और आयु सीमा वही है लगभग 18 से 42, सब में लगभग आयु सीमा एक ही रखी है। और देखो साक्षरता इसमें क्या दी गई है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ साथ हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति और MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद है कंप्यूटर सहायक, टोटल 5 पद हैं और वेतनमान भी वही है 5,200 से लेकर 20,000, 18 से 42 वर्ष का इसमें क्या है आयु सीमा है और साक्षरता इसमें वही है जो यहाँ पे ऊपर मांगी गई थी लगभग। उसके बाद है वाहन चालक, 1 पद है, वेतनमान वही है 18 से 42 वर्ष, इसमें भी आयु सीमा है और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 5 वर्ष का हल्के और भारी वाहन चलाने का क्या होना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद रक्षक पुरुष या रक्षक महिला, टोटल 7 पद हैं, इसमें फिजिकल भी मांगा गया है, जो ये वाली पोस्ट है ना इसके लिए आपका फिजिकल भी मांगा गया है, तो फिजिकल भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वेतनमान 5,200 से लेकर 20,000 है, आयु सीमा वही है, इसका साक्षरता देखो यहाँ पे हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ साथ वरीयता किसको दी जाएगी, ऐसे व्यक्ति जिसने सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, PS प्रांतीय रक्षक बल या NCC टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड में कार्य करने का अनुभव हो जिसके पास, उसको वरीयता दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पे फिजिकल भी मांगा गया है, तो फिजिकल यहाँ पे देखो विधानसभा रक्षक पुरुष पद हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएँ होनी चाहिए पुरुषों के लिए, तो जो सामान्य और पिछड़ी जाति वाले हैं उनको यहाँ पे बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर उनकी क्या होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पर्वतीय मूल के हैं और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट मांगी गई है वो 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर, तो सीने के माप में कम से कम क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलान आवश्यक होना चाहिए। ऊंचाई है
तो सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए जो ऊंचाई है वो 167.7 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है, पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 162 और अनुसूचित जनजाति के लिए 160। और साथ साथ जो रक्षक महिलाएं, ठीक है, ये वाली पोस्ट की हम बात करें जिसमें टोटल 7 पद हैं पुरुष रक्षक और रक्षक महिला के, तो रक्षक महिलाओं के लिए जो फिजिकल मांग गया है तो यहाँ पे देखो इनके लिए सिर्फ हाइट मांगी गई है। सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनको 147 और पर्वतीय मूल की अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 147 इसमें हुई है, और वजन मांगा गया है न्यूनतम 45 किग्रा। तो टोटल देखो यहाँ पे 33 पदों पर है, ठीक है, टोटल ये कितने पद हो रही है, 33 पद हो रहे हैं, और अलग अलग यहाँ पे ये क्या है पोस्ट पद नाम आप दे सकते हो, और अलग अलग इनकी क्या है एलिजिबिलिटी है, शैक्षिक अर्हताएँ सबके लगभग क्या हैं अलग अलग हैं, बाकी एज लिमिट सभी में 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। बाकी आयु गणना जो होगी, आयु गणना की निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021, ठीक है, परंतु उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन अधिनियम के तहत 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो ये जो छूट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो निश्चय तिथि है वो है 1 जुलाई 2021 से। अब देखो शुल्क कितना है यहाँ पे, शुल्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया गया है इसमें, क्योंकि UPSC का 300 होता है सिंपल, और UKPSC का भी कम ही होता है शुल्क, लेकिन इसमें शुल्क काफ़ी UKPSC के अलावा 175 होता है जनरल वालों के लिए, लेकिन इसमें शुल्क काफ़ी मांगा गया है। देखो अनारक्षित यानी जो सामान्य और OBC वाले हैं या EWS वाले हैं उनके लिए 975 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 875 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रुपये दे होगा यहाँ पे, जो क्या है दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए क्रमांक संख्या 1 से 2 से उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के तदनुसार, तो कुल मिला के इसमें अच्छा 1 और 2 मतलब इसमें भी वही रहेगा शुल्क, इनके लिए भी महिलाओं के लिए वही रहेगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 975 रहेगा शायद, तो कुल मिला के शुल्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और देख सकते हो आप किसके लिए कितना शुल्क पड़ेगा, तो शुल्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा मांग गया है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पे जो उत्तराखंड में लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की है विधानसभा सचिवालय के माध्यम से आज यानी 1 अक्टूबर 2021 को, और इसमें टोटल लगभग 33 पद हैं, और अलग अलग यहाँ पे पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है, तो काफ़ी डिटेल्स में आपको बताया गया है, और फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो इसका लिंक आपको दिया जाएगा, यानी ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जरदारी क्लासेस टेलीग्राम में, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो जो अभ्यर्थी टेलीग्राम में नहीं है हमारे साथ, वहाँ से इस PDF को एक बार डाउनलोड कीजिए और एक बार स्वयं इसको रीड कीजिए, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।